हेलो क्लास नाइन्थ, दिस वीडियो इज फॉर यू। लेसन एट, रीच फॉर द टॉप, पार्ट वन। संतोष यादव। इंट्रोडक्शन। द आर्टिकल इज अबाउट संतोष यादव, द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। हर स्टोरी इज इंस्पायरिंग डेस्पाइट बींग बॉर्न इन अ स्क्वीवर्ड सोसाइटी विच डिड नॉट वेलकम द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। वेयर गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट 16, शी मेड हर ओन पाथ, फॉलोड हर डिजायर्स and achieved world fame. Summary: Santosh Yadav was born to wealthy landowners in Joniawas village of Rohtak district in Haryana. She was the youngest child, a sister to five elder brothers. Due to the tradition, she was forced to study in the village school. Since childhood, she was opposed to the customs, preferred wearing shorts in opposition to the traditional dresses like salwar kameez. At the age of 16, like other girls in the village, she was forced to get married, but she resisted and insisted upon getting educated before getting married. She took admission in a school in Delhi, but her parents refused to support her. She accepted it and decided to work part-time to fund her schooling fee. Finally, her parents agreed to support her. Her father accepted her desires to get higher education. Her after high school, Santosh joined Maharani College at Jaipur and lived at the Kasturba hostel. There she saw the villagers climb the Aravali hills and was curious to know what was at the other side of the hills. She joined a group of mountaineers there and hence undertook her first climbing expedition. Within 4 years, in 1992, she climbed Mount Everest. Her qualities of determination, physical and mental strength impressed her seniors. Her fellow climbers appreciated her concern for others and willingness to work in a team. She saved the life of a fellow climber named Mohan Singh by sharing her oxygen cylinder with him. She joined an Indo-Nepalese woman expedition and climbed Everest twice, thus becoming the first woman in the world to climb the peak twice. Now here, yes children, Santosh cannot describe the immense feeling of happiness and pride when she was on top of the world. As she hoisted the Indian flag, she felt proud to be an Indian. Being an environmentalist, she brought down the 100 kilograms of garbage from the Himalayas. बच्चों, मैं आपको अब थोड़ा हिंदी में बता देती हूँ कि संतोष यादव का जो बॉर्न थी वो लैंड ओनर फैमिली में हुई थी, रिच फैमिली थी, लेकिन वो कंजर्वेटिव थे। उनके 5 ब्रदर्स थे, लेकिन उनको जैसे लड़कियों को ये था कि गांव के पहले तो स्कूल में भेजा गया। बाकी लड़कियां सलवार कमीज पहनती थी, लेकिन उनको वो पसंद नहीं था, उनको शॉर्ट्स पहनना पसंद था लड़कों की तरह से। और 16 की एज में जैसे गर्ल्स की शादी कर दी जाती है, उनसे भी कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पढ़ाई को वैल्यू दी और दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया। और उसके बाद में दैट इज़ उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पार्ट टाइम काम करके फीस दूंगी, लेकिन पेरेंट्स ने आखिर में उनके पेरेंट्स मान गए। और उसके बाद में उन्होंने हाई स्कूल किया और उसके बाद में महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया। और कमारानी कॉलेज जयपुर में रहते हुए कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहती थी, उन्होंने देखा कि विलेजर्स जो हैं वो अरावली हिल्स पर चढ़ते हैं और दूसरी तरफ जाकर गायब हो जाते हैं। तो वहाँ से उनका मन भी माउंटेनियरिंग के लिए करने लगा। और 4 साल के उनके अंदर ही 1992 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ी। और उन्होंने उसके बाद में इसमें समरी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक कॉलेज में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया और उससे पहले, और उसके बाद में उन्होंने करने के बाद में फिर यहाँ पर उन्होंने क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन 1992 में पार्ट लिया। और उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और क्या कहते हैं बाकी क्वालिटीज़ जो थी, डिटर्मिनेशन वगैरह, सब चीज़ें शो की। अपने फेलो क्लाइंबर्स ने उनके कंसर्न को अप्रिशिएट किया, विलिंगनेस टू वर्क इन अ टीम। शी सेव्ड द लाइफ ऑफ ए फेलो क्लाइंबर नेम्ड मोहन सिंह बाय शेयरिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया, उसकी ज़िंदगी बचाई।
और उसके बाद में उन्होंने नेपालीज वीमेन एक्सपेडिशन को भी ज्वाइन किया और इस तरह से 2 बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और वो पहली वुमन थी कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को दो बार उस विक्ट्री गेन की। उस वहाँ पर इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट किया, इससे उनको गर्व हुआ इस चीज़ पर कि वो एक भारतीय हैं और वो एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी। और उसमें 500 किलोग्राम गार्बेज जो थी वो हिमालय से लाई थी, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर भी कितनी गंदगी जो माउंटेनियरिंग करते हैं वो फैला देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन और द टू सेंटेंसेस ईच, द पैराग्राफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट प्रोवाइड क्लूज टू द आंसर। व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड? द होली मैन हु ब्लेस्ड संतोष मदर वॉज सरप्राइज बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर सेट दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन एज शी ऑलरेडी हैड 5 सन्स, दे ऑलरेडी वॉन्टेड टू बी ब्लेस्ड विद अ गिफ्टेड चाइल्ड। द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज एवरी मदर वॉन्टेड टू गिव बर्थ टू अ सन कॉन्ट्रेरी टू संतोष मदर। एक्चुअली इट इज संतोष ग्रैंड मदर, शी वॉन्टेड एंड हर मदर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर टू, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स। Why was Santosh sent to the local school? Although her parents were wealthy and could send her to a good school in the city of Delhi, they sent her to the village school because they followed the traditions. Question number 4, when did she leave home for Delhi and why? At the age of 16, Santosh left for Delhi and got admission in a school there. She wanted to get a school good education before getting married. Although her parents did not support her initially, they heeded to her determination and accepted her decision. Question number 5, why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of the Santosh are brought into light by this incident? Initially, Santosh's parents refused to support her financially. She accepted this and decided to work part time to pay her school fee. Then her parents softened and consented to support her. This shows she was determined and did what she thought was right, that others had to change their path accordingly. Now here, these are in short paragraph, about 30 words. How did Santosh begin to climb mountains? When Santosh joined the Maharani College at Jaipur, she decided at the Kasturba Hostel. It was located near the Aravali Hills. Every day, she saw the villagers climb the hills and disappear behind them. She grew inquisitive and finally one day joined a group of mountaineers to unfold the mystery. This way she started climbing mountains. Question number 2, what incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? Santosh tried to save a fellow climber but was unsuccessful at it. Later, she was successful in saving the life of a fellow climber named Mohan Singh by sharing her oxygen cylinder with him. Question number 3, what shows her concern for the environment? She brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. This shows her concern for the environment. Question number 4, how does she describe her feelings at the summit of the Everest? Santosh was full of happiness and pride when she was literally on top of the world. As she unfurled the Indian flag, she felt proud to being an Indian. It was a spiritual moment for her. Question number 5. Santosh Yadav got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? The first time when Santosh climbed the Everest, she became the youngest woman to scale the Everest. When she climbed it the second time, she became the first woman in the world to have climbed the Everest twice. Now it is about Maria Sharapova. Children, I'll take in the next video. So I am stopping it here only. This is Santosh's last. That one I'll give to you in the next video. Okay, take care.